जय हिंद भाई लोग। डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं, बीएसएफ कांस्टेबल ग्रुप सी के लिए वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन अभी से ऑनलाइन का डेट जारी नहीं किया गया है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे बीएसएफ कांस्टेबल ग्रुप सी से रिलेटेड। ये ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है, 10 पास अभ्यर्थी इस फॉर्म को आसानी से आवेदन दे सकते हैं। इस वीडियो में इस वैकेंसी से रिलेटेड ए टू जेड जानकारी आप स्टेप बाई स्टेप देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं पद की संख्या, यहाँ पर 7272 आपका टोटल पोस्ट है। पोस्ट का नाम यहाँ पे ग्रुप सी, यानी इसके अंदर में आपका कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल और एएसआई का भी है। एएसआई मतलब होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे पोस्ट नेम, और पोस्ट नेम के साथ साथ यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी शो किया जा रहा है, जो आपका एएसआई डीएम ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे एक पोस्ट है, हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट है, एचसी प्लम्बर के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है, कांस्टेबल सेवरमैन के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है, कांस्टेबल जनरल ऑपरेटर के लिए यहाँ पे 24 पोस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे कांस्टेबल जनरल मैकेनिक के लिए यहाँ पे 28 पोस्ट है, कांस्टेबल लाइनमैन के लिए यहाँ पे 11 पोस्ट है। मोड लागू करें, मतलब कि ये आपका ऑनलाइन ही ज़्यादा चांस है, ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी आवेदन करने की तारीख दिया जा सकता है। जैसे ही आवेदन करने की तारीख नोटिस आउट किया जाएगा तो हम सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको जारी करें। जैसे ही नोटिस आउट किया जाएगा तो सबसे पहले हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। नौकरी का स्थान और परीक्षा केंद्र पूरे भारत में, ऑल इंडिया में कहीं पे भी आपका जॉब लग सकता है और ऑल इंडिया में किसी जगह पे भी आपका परीक्षा केंद्र हो सकता है। इसमें आपकी सैलरी तो आपका 21,700 रुपया शुरू रहेगा और आपका 92,300 रुपया प्रति माह तक आपका अंतिम सैलरी जाएगा। ये जो आपका ग्रुप सी की वैकेंसी आई है, बाकी यहाँ पे 21,700 रुपया कहने का मतलब है कि आपका इतना ही नहीं रहेगा, 21,700 रुपया में और भी आपका कई सारा ऐड होगा। जैसे मैं आपका बहुत सारा अलाउंस ऐड होता है, तो आपका 21,700 ये तो आपका पे स्केल हो गया और साथ ही साथ आपको 5 या 6 हज़ार इसमें और भी ऐड होगा, मतलब कि आपका 25 से 26 हज़ार ये आपका मिनिमम कम से कम सैलरी स्टार्टिंग पीरियड में मिलेगा। आवेदन शुल्क यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आवेदन शुल्क बिल्कुल ही मुफ्त में आवेदन करना है, किसी भी जाति के लिए, किसी भी कास्ट के लिए, किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी आपका पैसा देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही आपको मुफ्त में आवेदन करना है। यहाँ पे 100 भी की तरह आयु सीमा यहाँ पे देख पा रहे हैं 18 से 25 वर्ष के बीच में आपका होना चाहिए, लेकिन यही OBC कास्ट के लिए इसमें 3 साल की छूट दी जा रही है, तो इसीलिए 18 से 28 साल के बीच में उनका एज होना चाहिए OBC कैंडिडेट के लिए। और यही SC और ST कास्ट के लिए इसमें 5 साल की छूट दी जाएगी, तो 18 से 30 साल के बीच में उनका एज लिमिट होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं आयु छूट, जो मैं अभी आपको बताया SC ST के बारे में 3 साल 5 साल। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात कह लिया जाए तो इसमें पुरुष उम्मीदवारों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर, और यही महिला के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, 157 सेंटीमीटर। ऑनलाइन नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट पुरुष के लिए आपका होना चाहिए 162 और महिला के लिए 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर आपका हाइट होना आवश्यक है। ये मैं आपको बताया ऑल नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट पुरुष के लिए इतना आपका हाइट होना चाहिए और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। चेस्ट की बात कही जाए तो आपका चेस्ट होना चाहिए मिनिमम 80 सेंटीमीटर और इसमें आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट का आपको एक्सपेंशन करना ज़रूरी होगा। इसमें वेट की बात कही जाए तो आपको कद और आयु के अनुपात के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए, आपका ज़्यादा भी नहीं वजन होना चाहिए और बहुत ही कम भी आपका वजन नहीं होना चाहिए, बस आपको कद और आयु के अनुपात के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्रुप सी के लिए आपका ऑनलाइन जब होगा तो उसमें कौन कौन सी आपका दस्तावेज लगेगा, तो फ़ोटो और हस्ताक्षर लगेगा, मतलब कि फ़ोटो आपका लगेगा और आपका साइन होना चाहिए। उसके बाद देख पा रहे हैं यहाँ पे शिक्षा प्रमाण पत्र, जो भी आपका शिक्षा प्रमाण पत्र एजुकेशन सर्टिफिकेट वो आपका लगेगा, अधिवास प्रमाण पत्र रहेगा, जाति प्रमाण पत्र रहेगा, पैन कार्ड और आधार कार्ड ID प्रूफ लगेगा, ये ऑनलाइन के समय में इतना दस्तावेज आपका लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं उम्मीदवारों को 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास, ITI स्नातक मान्यता प्राप्त बोर्ड से विश्वविद्यालय समकक्ष होना चाहिए, मतलब कि 10वीं पास के लिए भी वैकेंसी है, 12वीं के लिए भी है, ITI और स्नातक के लिए भी ये वैकेंसी है। अलग अलग कैटेगरी वाइज
एम्प्लॉय के हिसाब से ये आपका ट्रेड है, जो मैं अभी ट्रेड के बारे में ऑलरेडी पहले ऊपर बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं बीएसएफ भर्ती चयन प्रक्रिया, आपका चयन प्रक्रिया क्या क्या होगा। तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स जाँच होगा, उसके बाद आपका शारीरिक परीक्षण होगा यानी आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और थर्ड में आपका चिकित्सा जाँच होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, सबसे अंतिम योग्यता। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।